आज हम जानने वाले हैं स्पीति वैली के बारे में। यहाँ जाने का सपना हर एक इंडियन का होता है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्पीति वैली के सारे टूरिस्ट प्लेसेज, प्लानिंग आपको कैसे करनी है, बजट क्या होने वाला है, सब कुछ। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल होलिक रोहित में। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग जो प्लेस है इंडिया का, स्पीति वैली के बारे में। और स्पीति वैली बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी प्लानिंग भी है स्पीति वैली जाने की। तो स्पीति वैली जस्ट लाइक अ लद्दाख ट्रिप होता है, बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि स्पीति वैली की ट्रिप की प्लानिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए, अपना स्टे प्लान कैसा करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके किन्नौर वैली, स्पीति वैली की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें आके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को भी देख सकते हैं। बट वो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं स्पीति वैली की प्लानिंग के बारे में, किस तरीके से आप अपना प्लान करेंगे, स्टे कहाँ कहाँ पे लेंगे, बजट क्या होता है, डिस्टेंस कितना है और कितने नाइट्स का प्लान आपको करना चाहिए, स्पेशली अगर आप दिल्ली NCR से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पीति वैली का जो हेडक्वार्टर है, आपको फाइनली जो है वो काजा पहुंचना होता है। काजा पहुंचने के लिए दो रास्ते आप ले सकते हैं, या तो वाया मनाली आप जा सकते हैं या फिर वाया शिमला जा सकते हैं। आपको अगर आप मनाली ऑलरेडी जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, और उस टाइम पे, क्योंकि बहुत टाइम तक साल के काफी महीने वो मनाली से काजा का जो रास्ता है वो बंद रहता है, तो अगर उस समय खुला है तो वो रास्ता आप ले सकते हैं। बट वो रास्ता बहुत ही ज्यादा उबर खाबड़ है, रोड बिल्कुल कंडीशन वहां पे खराब है, तो आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जनरली लोग जो स्पीति वैली की ट्रिप की प्लानिंग करते हैं वो वाया शिमला करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपको वहां पे किन्नौर वैली घूमने को मिलेगा रास्ते में जब जाएंगे। स्पीति वैली बहुत ही प्यारा है, हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस अगर कुछ है तो किन्नौर वैली ही है। तो इसलिए आपको प्लानिंग जो करनी चाहिए वो शिमला से करनी चाहिए। और कहां कहां पे स्टे लेना चाहिए वो भी मैं बताता हूं। तो पहले हम जान गए कि हम कैसे जाएंगे, वाया शिमला जाएंगे स्पीति वैली के लिए। वाया मनाली हमें नहीं जाना है अगर हम अपनी सेपरेट प्लानिंग कर रहे हैं और हम मनाली में नहीं जाने वाले हैं, अगर सिर्फ आपको स्पीति वैली जाना है। अगर आपका ऑलरेडी प्लान है मनाली जाने का तो फिर वो रूट ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको शिमला से जाना है क्योंकि रोड की कंडीशन आपको अच्छी मिलेगी। तो हमने जो प्लान किया था अपना, वो पहले हम गुड़गांव से शिमला गए थे जो लगभग हमें 400-450 घंटे लगे थे उसमें, और इसमें जो है हमारा जो टाइम था 8-9 घंटे का था। और शिमला में पहुंच के हमने फर्स्ट नाइट स्टे अपना वहां पे रात में लिया था। रात में वहां पे जब हम रुके थे तो शाम को बस घूमने गए थे मॉल रोड, और ज्यादा कुछ हमें एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हमारा एजेंडा तो स्पीति वैली का था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करने के बाद, पहले तो हम जो यहाँ रुके थे उसका नाम है वेलकम ग्रैंड होटल। तो वेलकम ग्रैंड होटल में हम रुके थे शिमला के अंदर, आप भी वहां पे बुकिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद वो देख लीजिएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगती है तो वहां पे आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं ब्यूटीफुल इंडियाज लास्ट विलेज चितकुल के लिए, जो पड़ता है किन्नौर वैली में। तो वहां से जो हमें चितकुल का जो डिस्टेंस है वो 8 आवर्स का है। तो हमने क्या है कि अपना जो स्टे लिया था वो रक्षम में लिया था। चितकुल से आधा घंटा पहले एक गांव पड़ता है, बहुत ही प्यारा गांव रक्षम, हमने वहां लिया था। वहां हमने इसलिए लिया था कि हमारे जो इस ट्रिप में हमें होम स्टे में रहना नहीं था, क्योंकि होम स्टे में कहीं ना कहीं आपको इतनी सर्दी होती है वहां पे कि कई बार आपको कंफर्ट से कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, या जो फूड चॉइसेस आपके होते हैं वो वहां पे नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको ये भी हेल्पफुल होगा कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कहां पे कितने अच्छे अच्छे होटल्स के ऑप्शन भी मिलते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो आपको ये भी लग सकता है कि यार हम कैसे वहां पे सर्वाइव करेंगे, इतना ठंड है, होटल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और अच्छे होटल के ऑप्शन में हर एक जगह पे आपको बताऊंगा, जहां पे आप अपना अच्छे तरीके से, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, प्रॉपर होटल वाली फीलिंग आपको मिलेगी। तो हम रुके थे जोस्टल होम्स में, रक्षम में जोस्टल होम्स में हम इसलिए भी रुके थे क्योंकि वहां पे आपको फैमिली अलाउड होता है। वैसे जोस्टल में फैमिली अलाउड नहीं होती, जोस्टल होम्स के अंदर फैमिली अलाउड होती है। तो वहां पे हमने अपना नाइट स्टे लिया था रक्षम में, और वहां पे हमें ट्रेडिशनल वे में वहां पे उन्होंने हमें डिनर सर्व किया था, जो हमने अच्छे तरीके से वहां पे अपना डिनर एंजॉय किया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल गए थे एक्सप्लोर करने के लिए इंडियाज लास्ट विलेज चितकुल में। और यहां जाके ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ जो हमारे लाइफ में कभी नहीं हुआ था।
बताने वाला हूँ वो क्या हुआ था। तो सबसे पहले जब हम रक्षम जाते हैं तो रक्षम जैसे हम रक्षम से सॉरी चितकुल जाते हैं तो चितकुल में जो घूमने की जगह है वो भी मैं साथ ही साथ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप चितकुल जाएंगे तो चितकुल में हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है वहाँ पे बसपा रिवर बहती हुई मिलेगी आपको, तो वहाँ जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड अप कर सकते हैं। और इंडिया जो लास्ट ढाबा है वो भी बहुत प्यारा है, वहाँ जाके कुछ अगर चाय मैगी आपको खाना है तो इंडिया लास्ट विलेज है ये, तो इसीलिए वहाँ पे जो ढाबा है उसको इंडिया लास्ट ढाबा बोला जाता है। तो और बहुत कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बट वो गाँव बहुत प्यारा है। तो चितकुल गाँव में जाके आप थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड करना। तो जब जैसे ही हम चितकुल से आ रहे थे तो हमें चितकुल में ही बहुत ही हेवी स्नोफॉल मिल गया, और ये मेरे लाइफ का पहला स्नोफॉल एक्सपीरियंस था। इतना हेवी स्नोफॉल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हमने काफी स्नोफॉल एंजॉय किया वहां पे। और हमने उस स्नोफॉल के बीच में गर्मा गर्म दाल चावल ही बनाया था, क्योंकि हम जो छोटा सा स्टोव होता है वो लेके गए थे, बुटीन गैस का सिलेंडर ले गए थे। ये आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से परचेज आप कर लीजिएगा। और वहां पे फिर हमने वो दाल चावल बर्फ के बीच में एंजॉय किया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने बर्फ में ही मैगी बनाई थी, और मैगी बनाते समय हमारे पास पानी नहीं था तो हमने फ्रेश स्नो का इस्तेमाल किया था। और ये बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया था कि हमारे पास पानी नहीं थी, मैगी हमें खाना था, स्नोफॉल हो रहा है, उस स्नोफॉल के बीच में हमने बर्फ को यूज करके, फ्रेश स्नो को यूज करके हमने मैगी अपनी बनाई थी, और वहाँ पे थोड़ा बहुत मैगी हमने इंजॉय किया। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा ओवरऑल चितकुल का। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टे था चितकुल के बाद वो था नाको का। तो नाको हम पहुँचते हमें रात हो गई थी, पूरे रास्ते में हमें स्नो भी मिली थी, बट फाइनली रात में हम नाको पहुँच जाते हैं, क्योंकि नागपुर अगले दिन हमारा स्टे नाको में था। तो इस तरीके से जो जो मैं आपको हॉल्ट बता रहा हूँ, इस तरीके से आप भी अपना प्लान कर लेना ताकि आप अपने स्पीति ट्रिप को मेमोरेबल बना सके। और ये सारे जो जगह मैं बता रहा हूँ ये सारे जगह बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही प्यारे विलेजेज हैं। तो नाको हम जाते हैं, तो नाको में जो हमने स्टे अपना लिया था पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नाको का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर का है चितकुल से, तो आपको लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, बीआरओ ने, क्योंकि वो बॉर्डर वाला एरिया है तो बीआरओ ने बहुत ही अच्छा रोड बना के आपको दिया है, तो आपको रोड में तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है किसी भी गाड़ी से अपने आप जा रहे हैं तो। क्योंकि मैं खुद ग्लेंजा लेके गया था टोयोटा का, जो बलेनो भी है, सेम मॉडल ही है, तो आप कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। हम वहाँ पे रुके थे अल्पाइन लेक व्यू में, और अल्पाइन लेक व्यू की खासियत क्या है कि वो जस्ट नाको लेक के पास में है। नाको लेक वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 कदम हम चले और नाको लेक पहुँच गए। तो ऐसी प्रॉपर्टी में हमने, ऐसे होटल में हमने वहाँ पे बुकिंग किया था, तो ओवरनाइट स्टे हम वहाँ लेते हैं। नेक्स्ट डे हमारे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, सबसे पहले हम घूमते हैं नाको लेक को, और नाको लेक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पे उसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं वहाँ के लोकल से, और हमें पता चलता है कि नाको जो मोनेस्ट्री है यहाँ पे स्थित, उसके भी पांडवों ने बनाया था। तो मतलब महाभारत के समय में पांडवों ने एक रात के अंदर वो नाको मोनेस्ट्री बनाई थी। तो उसके बाद नाको लेक को घूमने के बाद हम चले जाते हैं नाको मोनेस्ट्री घूमने के लिए। और वहाँ पे हमने जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे कुछ उनकी वर्शिप हो रही थी, पूजा पाठ हो रहा था। उसके बाद नाको लेक को घूमने के बाद हम निकल जाते हैं अपना जो नेक्स्ट स्टेप था ताबो के लिए। तो यह था हमारा अभी तक का स्टे। तो हमने यहाँ पे भी जो स्टे है वो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। शिमला में लिया था पहला नाइट स्टे, दूसरा लिया था चितकुल, सांगला या रक्षम, किसी भी जगह आप ले सकते हैं, यहाँ लिया था। तीसरा जो हमने अपना स्टे लिया था वो लिया था नाको में। अब चौथा स्टे जो हमारा है, हमने जो बुकिंग कराई हुई वो है क्या है, ताबो में। ताबो स्पीति वैली से आपको लगभग 70-80 किलोमीटर पहले पड़ता है, और नाको से ताबो का जो डिस्टेंस है वो लगभग 60-70 किलोमीटर के बीच में है, जो आपको जाने में 2-2.5 घंटे लगेंगे। बट आप ये सोच सकते हैं कि मैंने 2-2.5 घंटे के लिए ही वहाँ पे क्यों स्टे लिया। इसलिए लिया क्योंकि ताबो एक बहुत ही अच्छा प्यारा गाँव है, और हमें और भी चीज़ें घूमनी थी ताबो में घूमने के लिए है। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब नाको से ताबो जा रहे होंगे तो बीच में पड़ता है ग्यू विलेज। ग्यू विलेज ये कुछ हिडन ऐसे विलेजेस हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से अपने स्पीति वैली की प्लानिंग कर सके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसके ऊपर। तो जब आप ग्यू विलेज जाएंगे तो ग्यू विलेज क्यों फेमस है, क्यों जाना है वहाँ पर, बहुत ही तो छोटा सा गाँव है वो, और वहाँ पर आपको 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी ओल्ड मम्मी रखी हुई है। तो वो आप वहाँ पे लाइव देख सकते हैं, वो मम्मी के दांत जो है अभी भी एज इट इज है। तो वो अगर आपको देखना है तो ओल्ड मम्मी वहां देखने आप जा सकते हैं, और गांव भी बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है।
सो हम ग्यू विलेज जाते हैं, वहाँ ओल्ड मम्मी को देखते हैं, वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी बन रही थी, वो सारा कुछ देख देख के फिर हम फाइनली अपने ताबो के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में कुछ अच्छे अच्छे स्पॉट्स भी पड़ते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। कहीं पे झरना आपको दिखेगा, कहीं पे अच्छे रोड दिखेंगे, तो फोटोज वीडियोज क्लिक कराते कराते फाइनली हम पहुंच जाते हैं ताबो में। ताबो में जो हमने स्टे लिया था, ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी ऑफ अवर स्पीति वैली ट्रिप था, और इसका नाम है इको मड हट्स एंड रिजॉर्ट। इको मड हट्स एंड रिजॉर्ट नाम याद रख लेना, ऐसी प्रॉपर्टी आपको पूरे स्पीति वैली ट्रिप पे नहीं मिलेगी। इसका लिंक सारा कुछ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वीडियो देखने के बाद आप वहाँ पे चले जाना। और वीडियो को इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वीडियो जाकर देख लेना, अगर आपको पसंद आता है तो इस प्रॉपर्टी में भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो इको मड हट्स एंड रिजॉर्ट में हम यहाँ पे ओवरनाइट स्टे लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, तो प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं हम, ताबो के ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम घूमते हैं ताबो मोनेस्ट्री को, क्योंकि वहाँ पे मोनेस्ट्री भी है एक, तो हमारे जस्ट होटल के पास में ही था, तो हम चले गए ताबो मोनेस्ट्री को घूमने के लिए। ताबो मोनेस्ट्री जब हम घूम लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप, वो है धनकर वैली के लिए। धनकर वैली इसलिए हम जाते हैं क्योंकि जब ताबो से अब काजा जाने लगेंगे तो धनकर वैली बीच में पड़ता है। उसके पहले जैसे ही ताबो को लीव करने वाले होंगे, ताबो केव्स आपको दिखेंगे रोड पे, तो ताबो केव्स भी जाके आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं ताबो केव्स को। उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, लगभग 100-200 मीटर का ट्रैक है, जो आपको सीढ़ी वीढ़ी नहीं बनी हुई है, ऐसे ही पहाड़ जैसी है, उस ट्रैक को आप पहुंच के जाएंगे ताबो केव के बाद। वो सब घूम के मैं नीचे आ गया, उसके बाद हम जाते हैं धनकर वैली के लिए। तो काजा डायरेक्ट आप मत जाना, धनकर वैली को घूमते हुए जाना। वैसे धनकर वैली जो है, लोग जो है काजा के ही टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर आता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे काजा में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन है, तो धनकर वैली का नाम आएगा। तो जब ताबो से आप काजा जा ही रहे हैं, काजा के टूरिस्ट प्लेसेस सारे एक्सप्लोर करने हैं आपको, तो रास्ते में ही धनकर वैली एक्सप्लोर करके चले जाओ, ये बेस्ट वे होता है। तो धनकर वैली आप जाओगे, धनकर वैली में धनकर मोनेस्ट्री है, उसे आप देखिए, बहुत ही प्यारा मोनेस्ट्री है। थोड़ी सी चढ़ाई पे है धनकर वैली, आधे घंटे आपको लगेंगे ताबो से धनकर वैली जाने में मैक्सिमम, या एक घंटे भी लग सकते हैं अप टू योर ड्राइविंग कैपेबिलिटी। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो धनकर वैली जाके, धनकर वैली घूम घाम के हम चले गए काजा के लिए। तो काजा में जो हमने अपना स्टे लिया था, वो टू नाइट्स के लिए लिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस थे, टूरिस्ट प्लेसेस, तो सारा कुछ हमें एक्सप्लोर करना था। तो उस दिन जिस दिन हम धनकर वैली घूमते हैं, उस दिन हम जब काजा पहुंचते हैं, तो काजा में हम जाते हैं सबसे पहले एशिया के सबसे हाईएस्ट ब्रिज चीचम ब्रिज को देखने के लिए। तो चीचम ब्रिज हम जाते हैं, तो चीचम ब्रिज में हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे कुछ फोटोज वीडियोज कुछ मेमोरी को कैप्चर करते हैं। और वहाँ के बाद घूमने के बाद हम अपने होटल आ जाते हैं चीचम ब्रिज घूमने के बाद, और रात में स्टे करते हैं। और स्टे हमने जो लिया था काजा में, वो लिया था स्पीति हेरिटेज हिमालयन ब्रदर्स के अंदर। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो यहाँ भी आप बुकिंग कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अब काजा के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, तो एक तो हम धनकर वैली घूम चुके हैं आते वक्त, दूसरी हम चीचम ब्रिज घूम चुके हैं। अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाते हैं बाकी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। उसमें आता है सबसे पहले तो की मोनेस्ट्री। तो की मोनेस्ट्री हम जाके घूमते हैं, आपने बहुत सारे फोटोज वीडियोज भी देखे होंगे, तो की मोनेस्ट्री को काफ़ी टाइम वहाँ पे हम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जो हम जाते हैं घूमने के लिए, वो है कॉमिक। कॉमिक है वन ऑफ द हाईएस्ट विलेज ऑफ वर्ल्ड के कुछ हाईएस्ट विलेजेस में से एक है कॉमिक। तो वहाँ पे हम जाते हैं, और वहाँ पे हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी था, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी था, तो वहाँ पे जाके हम थोड़ा ग्रीन टी पीते हैं। और ये कॉमिक विलेज को घूमने के बाद हम जाते हैं लांगजा विलेज के लिए। लांगजा में क्या आपको मिलता है, आइकॉनिक बुद्धा स्टैचू, जिसके बहुत सारे फोटोज आपने देखे होंगे। काजा के अगर फोटोज देखेंगे तो बुद्धा स्टैचू के फोटो आपको देखने को मिलते हैं। तो लांगजा में हम वो बुद्धा स्टैचू को देखते हैं, उससे घूमते हैं, वहाँ पे फोटोज क्लिक कराते हैं, वीडियो बनाते हैं, और वो सारा कुछ घूमने के बाद हम फाइनली चले जाते हैं हिक्किम के लिए। और हिक्किम में पड़ता है, ये सारा कुछ पास पास में है, ऐसा मैं सोचना कि बहुत दूर में, क्योंकि काजा एक छोटा सा जगह है, तो ये आपको मुश्किल से 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में हर एक जगह पर आप पहुँचते जाएंगे। तो ये सारा रूट है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं ये पूरा एक ही रूट पे पड़ेगा। तो लांगजा के बाद हम जाते हैं हिक्किम के लिए, हिक्किम में पड़ता है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो रेड कलर का पोस्ट ऑफिस है, जिसके बहुत सारे फोटोज वीडियो आपने देखे होंगे। तो वहाँ पे हम जाते हैं, फोटोज वीडियोज क्लिक कराते हैं, और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हम पोस्ट कार्ड लिखते हैं वहाँ से। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, और जब भी ये पोस्ट कार्ड आपको मिलेगा तो आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी। बट मेरा एक ट्रू फीडबैक है,
कि आप वहां पे जब जाएं तो उनसे कंफर्म कर लें कि ये पोस्ट कार्ड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो पोस्ट किया था वहां से, मुझे आज तक पोस्ट कार्ड नहीं मिला। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई स्कैम तो नहीं चल रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे पोस्ट कार्ड पोस्ट करते हैं अपने फैमिली के लिए। मेरे एक जो हमारे साथ गए थे कपल, उनके भी पोस्ट कार्ड अभी तक आया नहीं है। तो पता नहीं मैं क्या सच है क्या झूठ है, बट हमने पोस्ट किया था बट हमें मिला नहीं है। तो वो एक बार थोड़ा सा वहाँ पे वेरीफाई कर लेना आप लोग भी। सो ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हम वहाँ पे घूमते हैं। तो आपको की मोनेस्ट्री हमने कवर कर लिया, हिकिम में हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कवर कर लिया, कॉमिक हम चले गए हाईएस्ट विलेज को घूमने के लिए, लांगजा बुद्धा स्टैचू हम देख लिए, की मोनेस्ट्री हम देख लिए, चीचम ब्रिज देख लिए। तो ये से सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो काजा में पड़ते हैं। तो इसको घूमने में 2 दिन तो आपको लगेगा ही अगर भागा दौड़ी आपको नहीं करना है। तो ये करते करते अब रात हो गया था। उसके बाद हम पेट्रोल फिल कराते हैं अपने गाड़ी में, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था अपने रिटर्न जर्नी के लिए। तो ये इस तरीके से आप अपना ऑन गोइंग जर्नी करेंगे और काजा घूम लेंगे। रिटर्न में जब आप आएंगे तो एक बहुत है अच्छा वे है रिटर्न जर्नी प्लान करने का, क्योंकि एक दिन में तो आप आओगे नहीं, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है। तो आप वहां से 215-20 किलोमीटर के आसपास जब आप चलेंगे काजा से, तो आपको पड़ता है कल्पा। बहुत ही प्यारा विलेज है, हिमाचल के कुछ प्यारे विलेजेस में से एक है कल्पा। तो कल्पा में हमने अपना नाइट स्टे लिया था, और वहाँ पे हमने जो स्टे अपना लिया था वो होटल कल्पा के अंदर लिया था, और होटल कल्पा बहुत ही प्यारा होटल है। और यहाँ पे जो हमने पे किया था वो 4,000 रुपये पे किया था। अच्छा, ये जो जितने भी होटल्स थे उसमें हमने कितना कितना पे किया वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा क्या क्या प्राइस है हर एक होटल्स का, और जो मैंने वीडियोज बनाए हैं हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर वो भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आपको स्टे लेना है या नहीं लेना, वो प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो होटल कल्पा में अपना स्टे लेते हैं और वहाँ पे रात भर रुकते हैं। कल्पा की खासियत क्या है, कल्पा में क्यों जाना है आपको? कल्पा बहुत ही प्यारा है। कल्पा से किन्नर कैलाश के दर्शन साक्षात होंगे आपको। तो किन्नर कैलाश महादेव के दर्शन आपको साक्षात हो रहे हैं। कल्पा जो गांव है वहां के किसी भी कोने से आप खड़े होंगे तो किन्नर कैलाश आपको साफ दिखेंगे। और किन्नर कैलाश के लिए तो लोग ट्रैक करके जाते हैं, बट वो जगह पे आप जाते हैं तो आपको साक्षात दिख रहे हैं। तो ये खूबसूरती है कल्पा की। उसके बाद जब हम लौट के आते हैं, कल्पा से हम डायरेक्ट भी आ सकते थे लेकिन हमें बहुत समय लग जाता, 15-16 घंटा लग जाता वहाँ से आने में, काफ़ी रात हो जाता। तो हमने वो रिस्क नहीं लिया था, हमने बीच में फिर से शिमला में स्टे लिया था। और कल्पा से जब शिमला आएंगे तो लगभग 220-230 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो वहाँ पे हम आए और शिमला में हमने फिर से स्टे लिया, और फाइनली जो है हम आ गए गुड़गांव। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा टूरिस्ट जो स्पीति वैली का प्लान है वो किया था। और मैंने आपको सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी बताए हैं कि कौन कौन से जगह पे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो एक छोटे से वीडियो में इस सारी जानकारी, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लिए पैक करके ये वीडियो बनाऊं, ताकि बाकी लोगों को हेल्प कर पाऊं अपने स्पीति वैली ट्रिप को प्लान करने के लिए। क्योंकि मेरी सारे वीडियोज के थ्रू यही कोशिश होती है कि मैं लोगों के ट्रैवल को ईजी कर पाऊं और हैसल फ्री हो उनका ट्रैवल। क्योंकि मैं बहुत सारा इसमें रिसर्च करता हूं, उसके बाद अपना ट्रैवल प्लान करता हूं। तो मेरी ये कोशिश होती है मैं अपने वीडियोज के माध्यम से लोगों को भी हेल्प कर पाऊं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि कितना कितना हमने होटल्स में पे किया है। वेलकम जो अगर होटल है जो हमने शिमला में बुक किया था उसमें हमने 4,000 लिया था। ये बहुत ही 4-स्टार कैटेगरी के होटल है बट हमें डिस्काउंट पे मिल गया था। जोस्टल होम्स रक्षा में जो हमने अपना स्टे लिया था वहाँ पे हमने पे किया था 3,000 रुपया एक रूम का। उसके बाद अल्पाइन लेक व्यू में हमने 3,000 रुपया पे किया था, जो नाको में हमने स्टे लिया था। इको मड हट्स एंड रिजॉर्ट में 4,000 हमने पे किया था एक हट का, रिजॉर्ट का जो हमने बुक किया था। उसके बाद स्पीति हेरिटेज काजा में जो हमने पे किया था वो लगभग 3,000 के आसपास हमने किया था एक नाइट का। और उसके बाद होटल कल्पा में हमने 4,000 दिया था एक रूम का, एक कपल विद ब्रेकफास्ट। ये सारी चीज़ें वन कपल और विद ब्रेकफास्ट मैंने आपको प्राइसेस बताए हैं। तो ये मैंने होटल के एक्सपेंसेस थे। अगर मैं पेट्रोल का एक्सपेंस बताऊं तो लगभग ये जो आपकी जर्नी है ये पड़ जाती है लगभग टू एंड फ्रो मिला के, अगर घूमते भी हैं आपको तो 2,000 किलोमीटर के आसपास ये पड़ेगा। और 17 का एवरेज अगर आपकी गाड़ी देती है तो ये आपको 117 यानी कि 117 किलोमीटर सॉरी लीटर आपका पेट्रोल लगेगा। 100 रुपये के हिसाब से भी देखें तो लगभग 11,000 से 12,000 रुपये का आपका पेट्रोल का एक्सपेंस इसमें आने वाला है। अब अपनी गाड़ी से जाते हैं तो ये डिपेंड करता है माइलेज पे। जैसे मैंने बोला 2,000 किलोमीटर है, आपका माइलेज गाड़ी क्या देता है तो उसके हिसाब से आप डिवाइड करके अपना पेट्रोल का एक्सपेंस निकाल सकते हैं। होटल के एक्सपेंस मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना देना पड़ेगा। फूडिंग का एक्सपेंस जो लंच या डिनर पे है वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें तड़का डालते हो।
इनफैक्ट, तो वो उस तरीके से आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ये था मेरा कंप्लीट ब्लॉग स्पीति वैली से रिलेटेड, जिसमें मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको डिटेल में किसी प्लेसेस के बारे में जानना है, जैसे चितकुल के बारे में जानना है, या फिर आपको किन्नौर वैली के बारे में जानना है, तो काजा के बारे में जानना है, डिटेल में ये सारे चीज़ों के बारे में जानना है, तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए। वहाँ पे मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे जगहों को मैंने डिटेल में एक्सप्लोर करके आप लोगों को जानकारी दी है, तो वो सारा कुछ भी आप देख सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और स्पीति वैली से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है वीडियो में नीचे कमेंट करना, मैं वहाँ सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं पे दे दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार मेरे चैनल पे आप हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा देना ताकि कभी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए और आप वंचित न रहें मेरे किसी भी इंफॉर्मेटिव ट्रेवल कंटेंट को देखने से। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय, टेक केयर।